हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज अंजलि वेलकम टू माय इग्नू सॉल्यूशन स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरणवादी उपागम स्टूडेंट्स पर्यावरण के बारे में आप स्कूल लेवल से ही पढ़ते आ रहे हैं लेकिन जब आप कॉलेज लेवल पर इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं यानी जब आप कॉलेज लेवल पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं किसी भी टॉपिक पर स्टडी करते हैं तो जो इन्वायरमेंट है उसका जो मतलब है वो बदल जाता है यह इन्वायरमेंट yeah, वो वाला इन्वायरमेंट नहीं होता जो आपने स्कूल लेवल पर पढ़ा है बल्कि यह बल्कि इन्वायरमेंट के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास जिसे टिकाऊ विकास भी कहते हैं वर्ड जुड़ जाता है ठीक है जब आप कॉलेज लेवल पर इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के अंतर्गत तो जो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय उपागम उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे एलपीजी का दौर आ जाने से, यानी लिबरेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का दौर आ जाने से, जहाँ एक तरफ विभिन्न देश अपना विकास करने में सफल हुए वहीं दूसरी तरफ विकसित देशों ने जिस तरह से पर्यावरण वहीं दूसरी तरफ विकसित देशों ने जिस तरह से अपना विकास करने के लिए प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करके पर्यावरण को क्षति पहुँचाई और पर्यावरण की ये जो क्षति है उसको कम करने के लिए टिकाऊ विकास पर बल दिया गया है यानी जो सस्टेनेबल यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर बल दिया गया है पर्यावरण की क्षति को कम करने के लिए तो so, आज का जो हमारा ये लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पर्यावरणवादी उपागम क्या है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए टिकाऊ विकास जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं किस तरीके से मददगार है पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पर्यावरणीय उपागम क्या है स्टूडेंट्स जो हमारा पर्यावरण है वह जल वन भूमि पशु पक्षियों पेड़ पौधों से मिलकर बनता है यानी हम यह कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ठीक है थीके? जो जितनी भी चीजें हैं जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है उसे हम पर्यावरण कहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती और प्रकृति ने इसकी जो बनावट है वो इस प्रकार की है जिसके द्वारा अनेक लोग और विभिन्न राष्ट्र जो है वो एक दूसरे के निकट आए हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पर भूमि अच्छी होती है यानी जहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है वहाँ पर जो लोग हैं वो खेती करने के लिए आ जाते हैं ठीक है और बहुत सारी जो और बहुत सारे जो राष्ट्र है वो क्या सोचते है की भाई हम अपना जो हम अपनी जो कंपनी है वो वहाँ पर स्थापित करें ठीक है जिससे क्या होगा प्रोडक्शन होगा तो इस तरीके से जो पर्यावरण है वो लोगों को एक दूसरे के निकट आने में मदद एक दूसरे के निकट आने में मदद करता है और जो राष्ट्र है उसको एक दूसरे के निकट आने में मदद करता है ठीक है तो प्रकृति ने जो संसाधन है उसकी जो बनावट है वो इस तरीके से बनाई है ये जो प्राकृतिक संसाधन है यानी जो संसाधन है जैसे कि जल हो गया भूमि वन वायु आदि को प्रकृति ने समाज में बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्य को प्रदान किए हैं। जो प्रकृति है उसने जितने भी संसाधन है जो उपलब्ध है ठीक है उसको मनुष्य को समान रूप से उपलब्ध कराए हैं। यानी प्रकृति ने किसी भी तरीके से किसी भी मनुष्य के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया है और स... सभी मनुष्य को संसाधन जो है वो उपलब्ध कराए गए लेकिन अगर देखा जाए तो संसाधनों की कमी और विकसित और विकासशील देशों के बीच आय का जो अंतर है वो बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है उससे यह हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद है वो उत्पन्न हो रहा है जो विश्व को दूसरे विश्व युद्ध से बड़े संकट की ओर ले जा रहा है फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी देश में संसाधन जो है वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन अगर वो देश उस संसाधन का अपनी जरूरत से ज्यादा उपभोग करता है ठीक है और वह देश दूसरे देशों को अगर संसाधन उपलब्ध नहीं कराता है यानी जो देश है यानी कोई एक ऐसा देश है जिसके पास सभी संसाधन उपलब्ध है ठीक है और वो अगर दूसरे दूसरे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा संसाधनों का तो उससे क्या होगा उससे विश्व में युद्ध छिड़ जाएगा ठीक है यानी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो इसी युद्ध से बचने के लिए इसी संकट से बचने के लिए जी एट नामक एक गुरु जी एट नामक एक ग्रुप बनाया गया जिसमे आठ देशों को शामिल किया गया यानी ये जो जी का जो ग्रुप है उसमें आठ देश शामिल है ये आठ देश है कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान रूस यूके और यूएसए ठीक है यह औद्योगिक देश है यानी ये जो आठ देश है ये औद्योगिक देश है जो हाई लेवल पर, पर परामर्श करते हैं परामर्श देते हैं और नीति समन्वय के लिए एकजुट होते हैं तो ये जो आठ देशों का ये जो ग्रुप है जिसे हम जी एट के नाम से जानते हैं उन्होंने मानव विनाश के लिए अस्त्रों का निर्माण करने से हटकर विश्व के जो संसाधन हैं, जैसे कि वन भूमि कृषि जल आदि को प्राप्त करने और उन पर नियंत्रण स्थापित करने की और चला गया आठ देशों का ग्रुप है उनका जो ध्यान है वो अब मानव विनाश के लिए रणनीति बनाने से हटकर, हटकर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने की और चला गया अब इन्होंने मानव का जो विनाश करने की रणनीतियाँ बनानी छोड़ दी है और प्राकृतिक संसाधनों पर अपना जो नियंत्रण है उसको स्थापित करने पर इनका जो ध्यान है वो चला गया है यानी इनका जो ध्यान है वो सिर्फ प्राकृतिक संसाधन पर ही केंद्रित हो गया है अगर हम केवल वर्तमान का विकास और पर्यावरण की क्षति को देखें, तो केवल यही काफी नहीं है ठीक है यानी वर्तमान का विकास ही काफी नहीं है और पर्यावरण की क्षति को रोकना ही काफी नहीं है बल्कि बल्कि उत्तर दक्षिण के विभाजन को दूर करना भी उतना ही आवश्यक है उतना ही आवश्यक है जो उत्तर दक्षिण का जो विभाजन है उसकी जो समस्या उसको दूर करनी भी उतनी आवश्यक है चाहे विश्व भूमंडलीय बन गया हो यानी जो विश्व है वो भूमंडलीकरण बन गया बन गया हो यानी ग्लोबलाइजेशन का दौर आने से जो वस्तुओं का आदान प्रदान है वो हो गया हो फिर भी जो उत्तर के जो देश है वो आज भी संसाधनों का अपनी क्षमता से अधिक उपयोग करते हैं लेकिन इसके विपरीत अगर हम दक्षिण के देशों को देखें तो दक्षिण के देश में आज भी कमी है और दरिद्रता है क्योंकि उनके जो अपने संसाधन है वो उत्तर के जो अमीर देश है उसको उपलब्ध कराने पड़ते हैं जिसके कारण दक्षिण के जो देश है उसमें कमी भी है और निर्धनता भी बनी हुई है क्योंकि उनको जो अपने संसाधन है वो उत्तर के देशों को उपलब्ध कराने पड़ते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं टिकाऊ विकास ये जो टिकाऊ विकास है यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसी के ऊपर हमारा ये जो टॉपिक है पर्यावरणीय उपागम ये इसी पर बेस्ड है तो टिकाऊ विकास को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तो टिकाऊ विकास क्या है पहले हम इसे जान लेते हैं टिकाऊ विकास को समझने के लिए ब्रूडलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की जिससे हम टिकाऊ विकास को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि विकास करने के लिए जो संसाधन जितनी मात्रा में वर्तमान पीढ़ी को उपलब्ध कराए गए हैं, वही संसाधन उतनी, है। है, है, है उतनी ही मात्रा में भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध कराया जाए ठीक है जिससे वर्तमान पीढ़ी की तरह भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अपना विकास जो है वो पूर्ण रूप से कर सके ऐसा ब्रोदलैंड आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई जो संसाधन वर्तमान पीढ़ी को उपलब्ध कराए गए हैं वही संसाधन उतनी ही मात्रा में उतनी ही मात्रा में भविष्य में आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध कराया जाए ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी अपना विकास पूर्ण रूप से कर सके अगर हम टिकाऊ विकास की बात करें तो टिकाऊ विकास के लिए हमें भूमि जल वनों और वायु की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए ठीक है क्योंकि हमारी जो क्यूँकी हमारी जो पृथ्वी है उसमें जीवन को स्थिर रखने के लिए यही चार जो संसाधन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर इन संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग किया जाए तो ये जो संसाधन है वो सदा के लिए खो बैठेंगे यानी अगर इन संसाधनों का अगर हम जरूरत से ज्यादा उपयोग करें, उपभोग करें तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम इन संसाधनों को खो देंगे तो इसीलिए टिकाऊ विकास कहता है कि हमें भूमि जल वायु और वनों की जो क्षमता है उसको ध्यान में रखना ज, ध्यान में रखना चाहिए टिकाऊ विकास यह भी कहता है कि विकास करने के लिए हमें पीढ़ी विशेष के अंदर समानता और न्याय को भी ध्यान में रखना चाहिए यानी हमें वर्तमान पीढ़ी यानी हमें वर्तमान पीढ़ी का भी ध्यान रखना चाहिए और जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए ये कहते हैं कि विकास ऐसा हो जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले और कोई भी वर्ग जो है विकास से अनजान न रहे ठीक है यदि उनका लाभ यानी जो विकास का लाभ और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका लाभ केवल वर्चस्वशाली वर्गों को मिलता रहेगा तब उस वर्ग द्वारा संसाधनों के उपयोग से जो अन्य वर्ग है वो जो अन्य वर्ग है उनका जो नाश उनका नाश हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्चस्वशाली जो वर्ग है अगर वही संसाधनों का उपभोग करते रहेंगे तो इससे इससे यह होगा कि जो कमजोर वर्ग है उनका नाश हो जाएगा क्योंकि अगर उनको संसाधन का उपयोग करने का मौका ही नहीं मिलेगा उनको अपना विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो उनका नाश होना संभव है ठीक है टिकाऊ विकास यह भी कहता है कि विकास के लिए सभी पीढ़ियों का ध्यान समता और न्याय के आधार पर रखना चाहिए इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान पीढ़ी भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों का उपभोग ना करे ऐसा करने से भविष्य में संसाधनों की क्षति को रोककर कर निर्धनता पर भी अंकुश लगाया जा सकता है तो टिकाऊ विकास कहता है कि हमें सभी पीढ़ियों का ध्यान जो है वो समता और न्याय के आधार पर रखना चाहिए जिससे सभी पीढ़ियां जो है अपना विकास पूर्ण रूप से कर सके अगर हम 1970 के दशक में देखे अगर हम 1970 के दशक में देखें, तो पर्यावरण का जो महत्व है वो इतना बढ़ गया है कि इसे पब्लिक पॉलिसी के मूल आधार के रूप में देखा जाने लगा यानी लोगों का विकास करने के लिए पर्यावरण को महत्वपूर्ण माना जाने लगा जिसके कारण क्या हुआ जिसके कारण यह हुआ कि कुछ देश संसाधनों का अधिक मात्रा में उपयोग करके आर्थिक रूप से संपन्न हो गए उन्होंने संसाधनों का इतना अधिक उपयोग कर लिया कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए और वो अमीर वर्ग बन गए और सबसे वर्चस्वशाली वर्ग बन गए सबसे सबसे वर्चस्वशाली शक्ति सबसे शक्तिशाली देश बन गए क्योंकि इन अमीर देशों ने संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था लेकिन इसके विपरीत कुछ देश ऐसे भी हैं लेकिन इसके विपरीत कुछ देश ऐसे भी हैं जो संसाधन उपलब्ध न होने की वजह से आर्थिक रूप से संपन्न न हो सके जहाँ पर संसाधनों की कमी और दरिद्रता जो है वो आज भी है अगर हम बात करें कि पर्यावरण संबंधी कौन कौन सी समस्या है जिनका समाधान होना चाहिए तो वह समस्या है जैसे कि वनों का काटना आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना नदियों के पानी को प्रदूषित करना हानिकारक गैसों को वायुमंडल में छोड़ना ये ऐसी समस्या है जिनका समाधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो इन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझना और उन पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक है और इन सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए हमें टिकाऊ विकास की आवश्यकता होती है इन सभी समस्याओं पर विचार करने को हम टिकाऊ विकास कहते हैं ये जो जितनी भी समस्याएं हैं जैसे वनों को काटना आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना ठीक है नदियों के पानी को प्रदूषित करना तो ये जो सारी समस्या है उसका समाधान पर विचार करने को हम टिकाऊ विकास के नाम से जानते हैं जिसके अंतर्गत इन सभी समस्याओं का समाधान करने की नीतियाँ बनाई जाती है अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट यानी केवल विकास की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विकास का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है क्योंकि अगर हम बिना पर्यावरण की ओर ध्यान दिए बगे अपना विकास ही करते जाएंगे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका अंधाधुन इस्तेमाल करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये जो संसाधन है यानी जो ये प्राकृतिक संसाधन है वो समाप्त हो जाएंगे जिसके कारण क्या होगा जिसके कारण भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, वो अपना विकास करने में असमर्थ हो जाएगी इसी कारण टिकाऊ विकास विकास की आलोचना करता है वह कहता है कि तीव्र गति से औद्योगिकरण जो केवल वर्तमान पीढ़ी के जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाने का प्रयास करता है इस संदर्भ में तोलवा कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो प्रबंध है वो वो इस प्रकार किया जाए कि वह पर्यावरण के संसाधनों की देखभाल कर सके पर्यावरण के संसाधनों की देखभाल कर सके ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ भी उतना ही अच्छा या उससे भी श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सके व्यवस्था का जो प्रबंध है वो हमें इस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण की जो संसाधन है उसकी देखभाल की जा सके जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी अपना विकास पूर्ण रूप से कर सके अब नेक्स्ट देखते हैं भूमंडलीकरण और टिकाऊ विकास यानी टिकाऊपन तो फर्स्टली हम देखेंगे भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करने पर जो भी जो भी रुकावटें आती थी यानी जो भी टैक्सेस लगा दिए जाते थे वस्तुओं के आदान प्रदान करने पर उसे समाप्त कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियां जो है वो संपूर्ण संपूर्ण विश्व में जितनी भी बाजार शक्तियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे अगर देखा जाए तो भूमंडलीकरण ने जहां एक तरफ विभिन्न राष्ट्रों को वस्तुओं के आदान प्रदान से एकजुट किया वहीं दूसरी तरफ इसने पर्यावरण को क्षति भी पहुंचाई, ठीक है भूमंडलीकरण के द्वारा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन होने लगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि भूमंडलीकरण आ जाने से, ग्लोबलाइजेशन का दौर आ जाने से जो उपभोक्ता है उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ने लगी और उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगा पहले क्या होता था पहले लोग दाल रोटी से काम चला लिया करते थे लेकिन अब पिज्जा बर्गर के बिना लोगों का खाना ही नहीं होता ठीक है इसके कारण पर्यावरण के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि आज लोग केवल अपना विकास करने के बारे में सोचते हैं और पर्यावरण के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमें टिका विकास की आवश्यकता होती है भूमंडलीकरण के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए ट्वेंटी अगस्त 26 तो अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 तक 192 देशों के टिका विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ ठीक है एक सम्मेलन हुआ जिसमें 192 देशों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड जो है नीतियां बनाई गई उसमें कहा गया कि पर्यावरण की जो क्षति है यानी जो पर्यावरण है उसको नुकसान तब तक होता रहेगा जब तक निर्धनता को कम नहीं किया जा सकता जब तक पॉवर्टी को गरीबी को कम नहीं किया जाएगा तब तक पर्यावरण की जो क्षति है वो बनी रहेगी इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए वित्त को आवश्यक माना गया यानी जो इकोनॉमी है उसको आवश्यक माना जाने लगा पर्यावरण को बचाने के लिए तो इसी तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे सम्मेलन हुए जिसमें अलग अलग तरीके की पॉलिसीज बनाई गई ताकि जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखा जा सके तो इसी तरीके से हम एक और पॉलिसीज़ देखते हैं, एक और शिखर सम्मेलन हुआ मई 2002 में ठीक है जो टिकाऊ विकास का दसवा शिखर सम्मेलन था जिसके अंतर्गत कुछ विषयों पर विचार किया गया जैसे कि नेतृत्व व बचाव नव निर्माण एवं भागीदारी टिकाऊ समुदाय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अंतरराष्ट्रीय शासन इन सभी पर विचार किया गया कि किस तरीके से हम टिकाऊ विकास कायम रख सकते हैं जिससे पर्यावरण को क्षति ना हो और पर्यावरण को बचा बचाया जा सकता हमारा पर्यावरण विकास विवाद अब पर्यावरण को विकसित करने में कौन कौन से विवाद हुए उसको हम देखेंगे जैसे कि बहुत सारे विकसित देशों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तथा अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण भी लेने लगे थे यानी बहुत सारे जो विकसित देश है वो क्या सोचते थे कि भाई वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए जो अन्य देश है उससे क्या लेने लगे उससे ऋण लेने लगे लेकिन जब आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगी तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने से कई राष्ट्र ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी उत्तर जीविता के लिए यानी अपने भरण पोषण करने के लिए पर्यावरण को खतरे में डाल देते हैं अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो इसका एग्जाम्पल हम अमेरिका को ले सकते हैं अमेरिका 1950s और 1960 के दशक में उसका जो औद्योगिक जो विकास है वो अपनी चरम सीमा पर था यानी जो अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश था ठीक है और वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करने लगा जो संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने लगा जिससे क्या हुआ जिससे यह हुआ कि उसने विकास के जो उपाय अपनाए थे वो उस पर ही वो उसी के लिए खतरा उत्पन्न होने लगे ठीक है क्योंकि जब वो संसाधनों का अत्यधिक जब अमेरिका संसाधनों का अत्यधिक उपभोग करेगा अत्यधिक उपयोग करेगा यानी वो भूमि और जलों को झीलों तालाबों को वन्य जीवन को अगर संकट में डाल देगा और कीटनाशक दवाओं का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ठीक है प्राकृतिक संसाधनों पर ये जो चीजें हैं उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि विकास के लिए उसने जो तरीके अपनाए थे उनमें से कुछ स्वयं के लिए उसके लिए खतरा उत्पन्न हो गए क्योंकि जो अमेरिका है वो चाहता था कि भाई मेरा जो वर्चस्व है वो पूरी दुनिया पर रहे और मैं सबसे शक्तिशाली रहूं, तो इसलिए वो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगा अब ये तो नहीं है कि भाई हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते रहेंगे और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का क्षमता से अधिक उपभोग करते हैं तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर भी उतना ही बढ़ता है 1972 में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट जिसमें विकास नियोजकों और उद्योगपतियों को चेतावनी का संकेत दिया गया उनों से, रिपोर्ट पेश की गई 1972 में जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट जिसमें विकास नियोजकों और उद्योगपति को चेतावनी दी गई और ये अनुभव किया गया कि या तो कोई देश तीव्र गति से अपना विकास कर सकता है या फिर पर्यावरण का आनंद प्राप्त कर सकता है क्योंकि ये जो दोनों चीजें, यानी विकास और पर्यावरण दोनों का एक साथ अस्तित्व संभव नहीं है यानी वो यानी ये दोनों एक ही लेवल पर नहीं रह सकते इसी तरीके से स्कॉट होम में 1972 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें मानव पर्यावरण के लिए कार्य योजना तैयार की गई। इस सम्मेलन की एक सिफारिश पर 114 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए यानी 114 राष्ट्रों ने मानव पर्यावरण के लिए जो कार्य योजना बनाई गई उसमें हस्ताक्षर किए गए जिसमें टिकाऊ विकास पर बल दिया गया कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए हमें टिकाऊ विकास को अपनाना चाहिए इसी तरीके से 1974 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यू और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी के द्वारा कोको योग में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया कोको योग में गोष्ठी का आयोजन किया गया 1974 में जिसमें संसाधनों के उपयोग पर विचार किया गया इसमें कहा गया कि आज की जो मूल समस्या क्या है आज की मूल समस्या आर्थिक और सामाजिक कुप्रशासन और दुरुपयोग की है इसीलिए स्वच्छ पर्यावरण और विकास की प्रक्रियाओं में समन्वय करने के लिए हमें आर्थिक विकास कार्यक्रमों को नया रूप देने की आवश्यकता है यानी हमें यानी अगर हम स्वच्छ वातावरण चाहते हैं, स्वच्छ पर्यावरण चाहते हैं और विकास के कार्यों में कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक विकास की जो कार्यक्रम है उसको नया रूप देना होगा जिसके द्वारा संसाधनों का उचित रूप से और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर उपयोग किया जा सके जो संसाधन है उसका उचित रूप से और भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, उसको ध्यान में रखकर उपभोग किया जा सके ताकि वर्तमान पीढ़ी का भी विकास हो जाए और जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उसका भी विकास पूर्ण रूप से हो सके और पर्यावरण को कोई भी हानि ना हो तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ आ गया होगा जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय